हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चिकन कीमा 500 एक कप ग्राम कोरिएंडर लीव्स, एक टेबल स्पून गार्लिक चॉप, एक टेबल स्पून जिंजर चॉप, दो ग्रीन चिली चॉप, एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, दो टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, एक टेबल स्पून सॉल्ट। अभी हम सबसे पहले जो हमारा चिकन कीमा है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हम इसे सैंडविच बनाते हैं। ये सैंडविच बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। सुबह सुबह बच्चे बहुत परेशान करते हैं, आप इसे बना के दें, उन्हें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। थोड़ा सा हाथों में तेल लेकर के और फिर हम चिकन का शेप देंगे। हाथों में रोल करेंगे, इतना लंबा करेंगे जितना लंबा हमारा सैंडविच है। तो ब्रेड सैंडविच के हिसाब से हम उसे लंबा लंबा करेंगे। थोड़ा हल्का फ्लैट करेंगे। आप इसे किसी भी तरह की सैंडविच में डाल के खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें मेहनत भी बहुत कम है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसी तरह से हम सारे चिकन को रोल कर लेंगे। सारे चिकन हमारे रोल हो गए हैं। हल्का हल्का फ्लैट मैंने इसलिए किया है ताकि ब्रेड के अंदर वो अच्छे से फिट हो जाएं। तो आप अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं, उसका शेप दे सकते हैं। अभी हम सारे चिकन पैटी को पैन में रख देंगे और इसे हर 2 मिनट में पलटते भी रहेंगे और ढक के रखेंगे। ढकने से जो इसमें जो स्टीम आएगा उसी से हमारा चिकन जो है वो पक जाएगा, इसीलिए ढकना बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे पलटते रहेंगे और देखते रहेंगे।
इसी तरह से हम सारे चिकन को बना लेंगे। ये चिकन हमारा पक गया है। हल्का हल्का आप बटर से या ऑयल से गार्निश कर सकते हैं। इसे गार्निश करने से ये हमारा सॉफ्ट बना रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो जाएगा। तो इसे हम गार्निश करते रहेंगे बटर से, घी से या ऑयल से। बिल्कुल रेडी हो गया है ये पक्का। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है उन सबको भी बना लेंगे। वैसे ही ढक देंगे और स्टीम से बना लेंगे। बीच बीच में पलट कर गार्निश भी करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा चिकन रोल जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम ब्रेड सैंडविच लेते हैं, उसमें हल्का सॉस डालेंगे, टमाटो केचप और थोड़ा सा चीज क्रीम डालेंगे। चिकन स्लाइस डालेंगे जो अभी बनाया हमने चिकन रोल, और थोड़ा सा से क्रिस्पी बनाने के लिए हम तवे पे सेकेंगे। थोड़ा बटर से गार्निश कर देंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ। तो हमारा बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन जाएगा, खाने में और भी टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए हम कोई भी चीज़ उसके अंदर डाल सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसमें भर सकते हैं। आप चाहें तो पनीर डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, जो भी चीज़ पसंद हो, जो बच्चों को पसंद आती है वो हम उसमें डाल देते हैं। तो उसके अंदर भरने के लिए प्याज, टमाटर, खीरा, जो भी चीज़ हो आपके पास अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें प्याज डालूंगी, टमाटर डालूंगी और लेटस और इसे गार्निश कर देंगे रैंच से और टमाटो केचप से। आप अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ अच्छा लगे आप उसमें डालें और खाएं। बहुत टेस्टी लगेगा आपका, सुबह सुबह ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है और आसानी से बन भी जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। बाहर से लाकर खाने से अच्छा है घर में बनाएं और हेल्दी खाना खाएं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। फिर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।